दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों ल्यूसेंट हिंदी वर्जन और इंग्लिश में दोनों में अपलोड हो चुकी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है और अब वक्त आ गया है उसके क्विज अटेम्प्ट करने का। तो फिजिक्स जो मात्रक चैप्टर था पहला वाला, उसके ऊपर क्विज बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। उम्मीद आपको क्वेश्चन बेहद पसंद आएंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मात्रक को लेकर के। तो मात्रक चैप्टर जो है वो अपलोड हो चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वीडियो देख लें, हिंदी में भी है वो अपलोड हुआ भी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। फिलहाल ये वीडियो दोनों वर्जन में होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दें, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन आता है इसका, ऊष्मा का SI मात्रक है, ऑप्शन ए वाट, एम्पियर, जूल या फिर न्यूटन। तो ऊष्मा का जो SI मात्रक है वो है जूल। देखिए ऊष्मा हो या किसी भी तरह की ऊर्जा हो, उन सभी का मात्रक जूल होता है। बस ध्यान रहे कि ऊर्जा हो या भी किसी भी तरह की ऊष्मा हो, ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है, उन सभी का मात्रक जूल होता है। अगर वहीं वाट की बात करें तो ये पावर का मात्रक है, जिसका फॉर्मूला होता है P/W/T। डब्ल्यू क्या है, वर्क है, इसका मात्रक हो गया जूल, और टाइम मतलब समय, इसका मात्रक हो गया सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड होता है वाट का। और वहीं एम्पेयर की अगर बात करें तो एम्पेयर है करंट का मात्रक। जूल आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं आपकी, सभी तरह की ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो बाकी और इसके ड्राइव्ड यूनिट के अंदर। और न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन है बल का मात्रक, फोर्स का मात्रक है न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन दूरी, समय, प्रकाश या फिर धारा। तो इसका सही जवाब है दूरी, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश वर्ष ये होता है कि प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी भी निर्वात के अंदर दूरी चली गई होती है वो कहलाती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश 3×10^8 ms की रफ्तार से निर्वात में चलता है, ये है प्रकाश की वेलोसिटी। तो प्रकाश वर्ष क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब दूरी का मात्रक है, क्योंकि ये दूरी है, प्रकाश वर्ष जो है ये एक चली गई दूरी है प्रकाश की, प्रकाश के द्वारा एक साल के अंदर। तो ये दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर में होता है। वहीं अगर प्रकाश के अगर समय की बात करें तो समय का हो जाएगा सेकेंड, धारा की बात करें तो वो हो जाएगा एम्पियर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो पहले कार्य समझ लेते हैं उसके बाद उसका मात्रक देखेंगे। तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो न्यूटन मीटर हो जाएगा कार्य का मात्रक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रखा। पहला ऑप्शन जूल, दूसरा ऑप्शन न्यूटन, तीसरा ऑप्शन वाट और चौथा ऑप्शन हो जाएगा डाइन। तो इसका सही जवाब है जूल। देखिए कार्य ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है और सभी ऊर्जाओं का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, मैंने आपको बताया था अभी। देखिए न्यूटन मीटर जो होता है वो कई फॉर्मूलों के अंदर आता है, एक तो कार्य के अंदर आ गया, दूसरा अगर आपको टॉर्क निकालना है तो उसके अंदर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है। अगर वहीं बात करें बल आघूर्ण की तो वहाँ भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है। और अगर वहीं बात करें कपल ऑफ फोर्स, बल युग्मक का आघूर्ण, तो वहाँ पर भी आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो जहाँ कहीं भी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करने ही आ जाए तो वो जो यूनिट हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। तो फोर्स और अगर दूरी की मल्टीप्लाई हो रही है न्यूटन मीटर की अगर हो गई है तो वो सारी की सारी है जूल। तो न्यूटन मीटर से आप पहचान सकते हैं, वो सभी यूनिट कहलाएंगे जूल। न्यूटन की अगर बात की जाए तो न्यूटन हो जाएगा फोर्स का मात्रक। वाट जो है अभी मैंने आपको बताया शक्ति का मात्रक होता है, पावर का क्योंकि फॉर्मूला होता है W/T, तो इसका मात्रक वाट होता है, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, कौन सा समय का मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन अधिवर्ष, दूसरा ऑप्शन चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन प्रकाश वर्ष या इसमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अभी आपको बताया है प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, अधिवर्ष ये भी समय का मात्रक है, चंद्रमा ये भी समय का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो हो जाएगा वो दूरी का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला ये ऐसा ही मात्रक है, मैंने आपको ऐसा ही मात्रक की ट्रिक बता रखी है वीडियो के अंदर, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने मात्रक की अगर वीडियो नहीं देखी है ल्यूसेंट की तो आप वो देख लें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मात्रक जो होते हैं वो सात होते हैं, MKSAKKA, जहाँ पर एक कैंडेला भी आया था, केल्विन के बाद कैंडेला आया था। तो कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यहाँ पर ऑप्शन थे ज्योति फलस्क, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल जो है वो दाब की इकाई है, दाब हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर होता है एफ अपॉन ए, एफ का फॉर्मूला होता है न्यूटन और ए का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं दाब, मतलब प्रेशर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट निकल आ चुका है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट आया उसको पास्कल भी कहते हैं, पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल को, ठीक है। तापमान का यूनिट आप जानते ही हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, डिग्री केल्विन भी होता है, तरह तरह के होते हैं, फारेनहाइट भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, बल्कि यूनिट क्या है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत बार गया है। तो बल्कि यूनिट क्या है, पहला ऑप्शन केल्विन, दूसरा ऑप्शन न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल या फिर बोल्ट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। केल्विन आपको बताया तापमान का, पास्कल आपको बताया है दाब का होता है। अगर बोल्ट की बात करें, बॉल्ट की बात करें तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो V क्या होता है, ये होता है बोल्ट, I होती है धारा, R होता है प्रतिरोध। तो V इज इक्वल टू आई आर को निकालते हैं तो ये वोल्ट माता, वोल्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस की रिसर्च की थी, या फिर पोटेंशियल की डिफरेंस की, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की रिसर्च की थी बोल्ट ने। तो बोल्ट क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर वी को बोल्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर वर्ग पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है प्रतिबल जिसको स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल को स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, जबकि स्ट्रेन होती है डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखिए डेल्टा एल अपॉन एल, एल का मात्रक हो जाएगा मीटर और नीचे वाले एल का भी मात्रक हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का जो मात्रक आएगा वो एफ अपॉन ए के मात्रक के बराबर आएगा। तो एफ अपॉन ए का मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक होता है न्यूटन और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, श्यानता की इकाई है, पहला ऑप्शन पॉइस, दूसरा ऑप्शन पास्कल या फिर पॉइजुली या फिर इसमें से कोई नहीं। तो श्यानता की जो इकाई है वो है पॉइस, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। पास्कल आपके आपको बता चुका हूँ दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध बहुत यूज होता है ओम के नियम में, V इज इक्वल टू आई आर इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पर V अभी आपको मैंने बताया था बोल्ट होता है, I धारा होती है, R प्रतिरोध होता है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन बी कुलाम, ऑप्शन सी हेनरी या फिर ऑप्शन डी ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, बिल्कुल सही है ओम। वी का मात्रक होता है बोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और आर का मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम। इसका आर का मात्रक अगर एक तरह से और निकालना तो वो ये हो जाएगा वी अपॉन आई। तो वी का मात्रक होगा, वी का मात्रक है बोल्ट और आई का मात्रक है एम्पियर, तो बोल्ट पर एम्पियर ये ओम भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऐसा ही मात्रक वो होते हैं जिनके अंदर नाम आता है वैज्ञानिक का। पहला ऑप्शन ओम, दूसरा ऑप्शन ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन ओम पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी ओम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर।
अब देखिए ओम मीटर कहाँ से होता, तो विशिष्ट प्रतिरोध जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, तो रो इज इक्वल टू आर, आर का क्या होता है ओम होता है, ए क्या है एरिया है, तो इसको हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वहीं अगर लंबाई की बात करें तो हो जाएगा मीटर, तो देखिए 1 मीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या है कि ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? पहला ऑप्शन रेडियो एक्टिव धर्मिता का, ऑप्शन नंबर बी तापक्रम क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ऑप्शन सी ऊष्मा का, ऑप्शन डी ऊर्जा का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। तापक्रम की बात करें तो तापक्रम का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कैल्विन या फिर फारेनहाइट। वहीं अगर ऊष्मा और ऊर्जा की बात करें तो दोनों का होता है जूल, अभी आपको बताया। तो क्यूरी जो इकाई है वो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही जवाब है 1971। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको डेट याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? एसआई मात्रा का पूछा तो एसआई में जवाब देना पड़ेगा। ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी ऑप्टर, ऑप्शन सी डायोप्टर या फिर न्यूटन। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है डायोप्टर। एक्चुअली डायोप्टर क्या होता है, लेंस की शक्ति का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू 1/f, अगर एफ को आप मीटर में ले रहे हो तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं लेंस की पावर, लेंस की क्षमता या फिर लेंस की शक्ति। तो पी इज इक्वल टू होता है 1/f, अगर इसका एक मात्रक और निकालना तो एफ होता है फोकस दूरी जिसको मीटर में नापते हैं। तो पर मीटर भी इसका मात्रक होता है, लेकिन यहाँ पर मीटर तो नहीं दे रखा, तो इस पावर का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? अब देखिए विद्युत मात्रा क्या होती है, विद्युत मात्रा पहला ऑप्शन देख लेते हैं इसका ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर या फिर वाट। तो विद्युत मात्रा जिसको बोलते हैं करंट, जिसको बोलते हैं करंट, तो करंट का यूनिट क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ, कई बार आ चुका है, ये होता है एम्पियर। ओम रेजिस्टेंस का होता है, वोल्ट वोल्टेज का होता है या पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, विभवांतर का या विभव का होता है वोल्ट। वहीं अगर वाट की बात करें तो शक्ति का होता है, पावर का। क्वेश्चन नंबर 16, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन वेग, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन कोणीय वेग और चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान। देखिए कैसे निकलता है इसको, इसको फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं। पदार्थ के संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग की अगर बात करें तो संवेग होता है एम इंटू वी, संवेग हो गए एम, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है संवेग का, चलो एम इंटू वी में रहने देते हैं, एम इंटू वी, और अनुपात किसके साथ लेना है इसका, वेग के साथ। तो एम अपॉन वी अपॉन वी, तो वी से वी कट गया तो मात्रक क्या निकल आएगा ओवरऑल, एम, एम का मात्रक होता है किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान निकल कर आ गया, ठीक है। अगर वही वेग की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वी अप एस अपॉन टी, वी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी या डी अपॉन टी कुछ भी कह दो। अगर कोणीय वेग की बात करें, वेग है लेकिन कोणीय वाला, तो इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी, कोणीय विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ अपॉन टाइम। अब कोणीय विस्थापन है, ये थीटा है, कोण है, तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होता, टाइम का मात्रक जरूर होता है सेकंड, तो इसलिए कोणीय वेग का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड इनवर्स या पर सेकंड भी कह सकते हैं। बात करें त्वरण का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, ए क्या होता है, ए होता है वेग जिसका मात्रक पहले से मीटर पर सेकंड है और सेकंड से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्यू सेक से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा या जल की शुद्धता।
तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जल का वहाव। तो ये क्यू से क्या होता है, मैं आपको इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप जानते होंगे कि आयतन का जो मात्रक होता है, आयतन आयतन होता है मीटर का क्यूब। आयतन का मतलब होता है मीटर का क्यूब। अगर ये मीटर क्यूब ना लेकर के मैं फिट ले लेता हूँ, जिसको हम फुट भी कहते हैं, फीट ले लेते हैं, एक फिट के अंदर जो होते हैं वो होते हैं 30 सेंटीमीटर। अगर आप फिट ले लेते हो तो आप वॉल्यूम बनाइएगा, या आपने बना दिया, एक फिट लंबा, एक फिट चौड़ा और एक फिट गहरा। अगर आप ये ले लेते हैं, इसको सही करके बना देते हैं, डायग्राम में स्क्वायर सा लग रहा है, तो ये इस तरह से बनाते हैं। देखिए, अगर एक फिट आप चौड़ा लेते हैं, एक फिट आप ऊंचा लेते हैं और एक फिट आप गहरा लेते हैं, तो इसके अंदर से पानी कितना जा रहा है वो कहलाता है क्यूसेक, एक क्यूसेक। तो जो एक्चुअल में एक क्यूसेक की वैल्यू होती है, एक क्यूसेक वो होता है 28.31 लीटर। एक क्यूसेक जो होता है 28.31 लीटर होता है, मतलब इसके अंदर से इतने लीटर पानी निकल के चला जाता है। अब अगर बात आ गई कि पानी का बहाव जो है बहुत तेज है, मतलब पानी जो है 3 क्यूसेक से चल रहा है या 200 क्यूसेक से चल रहा है, तो इसका मतलब ये है, इस क्वांटिटी की 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और पता चल जाएगा आपको कि 1 सेकेंड में 1 क्यूब फीट के अंदर कितना पानी जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एंगस्ट्रॉन्ग क्या मापता है? पहला ऑप्शन तरंग दैर्ध्य है, ऑप्शन बी आवर्तकाल, ऑप्शन सी आवृत्ति, या फिर समय को। तो तरंग दैर्ध्य एक्चुअली ये मापता है, तरंग दैर्ध्य को मापता है एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य का यूनिट है। आपने देखा होगा, अगर आप कहते हो कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग कहते हैं आप एंगस्ट्रॉन्ग। तो एंगस्ट्रॉन्ग जो हो गई वो तरंग दैर्ध्य की यूनिट हो गई। एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में एंगस्ट्रॉन्ग जो है वो लंबाई को नापता है, मीटर में आता। तो एक एंगस्ट्रॉन्ग 10^-10 मीटर के बराबर होता है। तो जितनी भी दूरी वाली चीज़ें हैं वो एंगस्ट्रॉन्ग में मापी जा सकती हैं। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जो है वो दूरी वाली चीज़ है जिसको हम मीटर में नाप सकते हैं। आवर्तकाल की बात करें तो ये समय को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। वहीं आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहते हैं। लेकिन आवृत्ति का एक ऐसा ही मात्रक भी होता है जिसको कहते हैं हर्ट्ज, HZ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर समय की बात करें तो समय का सेकंड होता है, जो आवर्तकाल का भी था सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है संवेग संरक्षण का। संवेग संरक्षण क्या कहता है, अगर आप किसी भी चीज को फेंक रहे हैं, जैसे कि आपके पास सपोज दैट बंदूक है, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा, आपके पास ये जब इसमें से बुलेट निकलती है तो जो बुलेट का संवेग होता है वो आगे को होता है, तो बंदूक का संवेग जो होगा वो पीछे को होगा। तो इसमें बंदूक पीछे को जो हट रही है वो गोली आगे निकलने की वजह से हट रही है, तो इसका मतलब संवेग संरक्षण है। तो जितना संवेग इसका होगा उतना संवेग इसका भी होगा, मतलब जितना बुलेट का होगा संवेग उतना इस बंदूक का भी होगा। तो ये कहलाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब देखिए, रॉकेट तो जाता है वो ऊपर को जाता है, रॉकेट कैसा छोड़ता वो रॉकेट जाता है ऊपर को, तो जितना संवेग गैसेस का होगा उतना इस रॉकेट का भी होगा। तो जितने संवेग के साथ निकलेंगे गैसें उतने संवेग के साथ रॉकेट ऊपर को बहुत तेजी से भागेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो हमसे सदिश राशि पूछ रहा है, सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि होनी चाहिए। पहला ऑप्शन वेग, संवेग, द्रव्यमान, या फिर कोणीय वेग। तो इसका जवाब हो जाएगा सही, वो हो जाएगा द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि वो होती है जिनको निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। और सदिश राशियां वो होती हैं जिनके निरूपण के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए और उनकी क्वांटिटी भी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि इस दरवाजे पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ बाहर की तरफ को, तो आप बाहर की तरफ को भी बोल रहे हो और आप 10 न्यूटन भी बोल रहे हो। तो बाहर की तरफ हो गया डायरेक्शन और 10 न्यूटन हो गया आपका जो आपने परिमाण लगाया है, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड। अगर वहीं द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है, ये हर जगह हो सकता है, चारों तरफ फैला रहता है।
तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और